हेलो जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जहाँ पे भी हो। आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक। बड़ी ज़बरदस्त हम एक और वीडियो लेके आपके लिए आ गए हैं। हम भी तो रेलवे स्टेशन, रेल्स इंडिया की क्या बात है, हमारी लाइफ लाइन बन चुकी है। हम चाहते थे कि कुछ ज़रा डिफरेंट सा देखें, ईद के दिन में ज़रा इंटरेस्टिंग सा कुछ हो जाए। तो हम ले आए जी फिल्म सिटी, और फिल्म सिटी में भी कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी कोई ट्रेन है। बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने लगी है, लेकिन वो है फेक है। तो जरा आप भी हमारे से चल के देखें और इंजॉय करते हैं। उम्मीद है कि आपको भी बड़ी ज़बरदस्त लगने वाली है ये। और जो हम फिल्में बचपन में देखते रहे हैं और जो सीरियल्स देखते रहे हैं, उनके उसमें ये यूज़ होते हैं, रेलवे स्टेशन और ट्रेन्स वगैरह। हाय एंड हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आपके लिए रिएक्शन की वीडियो, और ये हमारी रिएक्शन की वीडियो है फेक रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन सेट और बॉलीवुड मूवीज एंड सीरियल रामोजी फिल्म सिटी। तो जिससे कि आपको पता है कि मुझे तो रामोजी फिल्म सिटी मेरी फेवरेट है, और वो हैदराबाद में होती तो क्या बात है। और बाकी ये कोई फेक रेलवे स्टेशन इन्हों का है, और ट्रेन सेट भी है तो बॉलीवुड मूवीज़ का। और वीडियो के चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम रीशा एंड यू वॉचिंग लाइफ एब रिएक्शन। और बड़ा मज़े की वीडियो होने वाली है आज की भी, कुछ सही सीरियल्स और मूवीज़ वाली होने वाली है। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो फिर बिना कोई देरी के स्टार्ट कर देखनी हो धमाकेदार वीडियो। सो स्टार्ट एंड वी डिस्कस व्हेन द वीडियो एंड। सो स्टार्ट। आज मैं आपको एक ऐसे नकली रेलवे स्टेशन पर लेकर आया हूँ जिसकी ट्रेन कहीं भी नहीं जाती है, सिर्फ एक ही जगह पर रुकती है। तो ये नकली स्टेशन यूज किया जाता है बॉलीवुड के मूवीज में शूटिंग के लिए। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको ये नकली स्टेशन का पूरा टूर देने वाला हूँ। देखते हैं हम कैसी है ये हमारी नकली ट्रेन। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में ना मैं आया हुआ हूँ रामोजी फिल्म सिटी में, और यहाँ पर मैं आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर जो फेक रेलवे स्टेशन है और फेक ट्रेन है जो की काफी सारे मूवीज में बॉलीवुड की यूज की जाती है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, ये है स्टेशन का ओवरऑल लुक। आप स्टेशन पर साइन बोर्ड देख रहे हो ना, तो हैदराबाद स्टेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये हर मूवीज में ना इसको चेंज किया जाता है। बाहर की तरफ आप देख सकते हो हैदराबाद लिखा है ना, तो अंदर की तरफ साइन बोर्ड पर दूसरा ही कुछ नाम होगा। ये एक ऐसा स्टेशन है जिसकी ट्रेन कहीं भी नहीं जाती है, और यहाँ पर भी कोई भी ट्रेन नहीं आती है। और यहाँ पर है ना मूवीज जैसे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का पूरा शूट हुआ था, और चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में जो ट्रेन वगैरह का सीन दिखाया था और स्टेशन का सीन दिखाया था, और फिर वो मूवी के एंड में जो लुंगी डांस सॉन्ग भी था ना, वो भी इसके अंदर ही शूट किया गया है। तो अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से पूरी ये नकली ट्रेन कैसी है वो चीजें दिखाता हूँ। तो चलो अभी मैं आपको है ना इसके अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ, और अंदर का आपको ओवरऑल लुक दे देता हूँ। देख सकते हो यार, काफी ज्यादा ग्रैंड बनाया गया है। अगर आपने ये वाला रेलवे स्टेशन है ना कई मूवीज में देखा होगा ना, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आप यहाँ पर स्टेशन पर अंदर आते ही वॉल्स पे आप देख सकते हो काफी सारे ना ऐसे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, ये मूवी को है ना रियलिस्टिक दिखाने के लिए ऐसे पोस्टर्स भी यहाँ पर लगाए गए। अभी ये देख सकते हो, अभी हम लोग अंदर की तरफ आए ना, यहाँ पर ये टिकट काउंटर जैसा बनाया है, जो ये पूरा का पूरा है ना फेक, इन लोग ने स्टेशन का रेप्लिका बनाया गया है। और मैं आपको ये दीवारें आपको देख के आप देख सकते हो एकदम रियल लगती है, लेकिन मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। ये देख सकते हो एकदम प्लाई और लकड़ी का मटेरियल लगता है, उसकी पूरी दीवारें उन्होंने खड़ी की है। तो ये देख सकते हो सामने ट्रेन खड़ी है, तो यही पूरा फेक मटेरियल से बनाया जाता है क्योंकि मूवी में कॉस्ट कटिंग हो सके। लेकिन अभी ये वाला रेलवे स्टेशन तो है ना, ये यहाँ पर फिक्स्ड रेलवे स्टेशन है, और ये मूवीज के लिए ये लोग रेंट पर देते हैं। तो अभी देख सकते हो हम लोग है ना ये स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर रियलिस्टिक बताने के लिए यहाँ पर कई सारी ऐसी है ना नकली दुकानें वगैरह भी बनाई गई है, और फिर ये तरफ भी देख सकते हो काफी सारी नकली दुकानें हमें देखने मिल जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आप वॉल देख रहे हो ये सारा कुछ है ना प्लाईवुड मटेरियल का बनाया गया है। और फिर ये देख सकते हो ये तरफ है हमारी ट्रेन, तो ये ट्रेन के डब्बे है ना, ये मैं देख लेता हूँ एक बार। तो ये है ना ये ट्रेन का डब्बा रियल है ऑफकोर्स यहाँ पर, लेकिन आप डब्बे के नीचे देख सकते हो कार में टायर रहते हैं ना, वैसे टायर यहाँ पर रखे गए, और यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स भी नहीं है यहाँ पर। तो अभी चलो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। तो ये है यहाँ पर ओवरऑल लुक ये पूरे ट्रेन का। तो ये ट्रेन है ना जैसी हमारी नॉर्मल ट्रेन होती है ना वैसी पूरी सेम टू सेम रखी गई है, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी शूटिंग पर्पज के लिए है। और ये तरफ मैं आपको एक विंडो दिखा देता हूँ, आप ये विंडो देख सकते हो, विंडो की यहाँ पर कोई भी बैरिकेड्स होते हैं ऐसे कुछ भी यहाँ पर नहीं है, पूरा का पूरा ओपन विंडो है, क्योंकि बाहर से वो लोग ग्रीन स्क्रीन लगाकर मूविंग ट्रेन दिखाते होंगे, इसलिए वो लोग ने ऐसा कुछ यहाँ पर रखा है। और फिर आप सामने की तरफ भी देख सकते हो ट्रेन के बाहर सामने की तरफ भी एक दूसरा प्लेटफॉर्म दिख रहा है, जो कि दूसरा प्लेटफॉर्म पे विजन ग्राम कुछ तो ऐसा लिखा हुआ है। तो जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ बाहर की
तरफ और कुछ नाम रहता है, अंदर की तरफ और कुछ नाम है। तो ये देख सकते हो ये ट्रेन पूरी की पूरी है ना रियलिस्टिक है, सिर्फ ये शूटिंग पर्पस के लिए अवेलेबल होती है। और ये वाली जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन यूज की गई थी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में। वो मूवी के जो अंदर ट्रेन की तरफ के सीन दिखाए गए थे ना, वो पूरे है ना ये ट्रेन के अंदर शूट किए गए थे। मूवी में कैसा रहता है कि हमें मूविंग ट्रेन दिखाते हैं ना, वो लोग बाहर की तरफ जो आदमी लोग खड़े रहते हैं ना, तो वो ट्रेन को पूरा धक्का देके हिलाते रहते हैं पूरी ट्रेन को, तो उससे है ना ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में जर्क्स वगैरह आ रहे हैं। तो मूवी में हमें वैसा दिखता है। ट्रेन तो हमने देख ली और फिर स्टेशन में ऐसे देख सकते हो ब्रिजेस भी बनाए गए जो कि रियल स्टेशन में होते हैं ना, तो वो सारी चीजें है ना रियली में दिखाने के लिए ऐसी चीजें यहाँ पर बनाई गई है। और फिर ये देख सकते हो यहाँ पर आगे की तरफ तो हमारी नॉर्मल ट्रेन थी, लेकिन ये तरफ इसका स्टीम इंजन रखा गया है। तो ये देख सकते हो हम लोग चलते हैं स्टीम इंजन में, और ये तरफ का मैं आप ओवरऑल लुक दे देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर वो कोयला डालने की जगह रहती है, अभी तो पूरा है ना भंगार हुआ पड़ा है क्योंकि बहुत टाइम से ऑफकोर्स यहाँ पर शूट नहीं हुआ होगा, सिर्फ शूट होता है ना यहाँ पर तभी ये लोग पूरा साफ सफाई कर देते हैं, यहाँ पर शूट के लायक बना देते हैं। अभी ऑफकोर्स ये स्टीम इंजन वाली ट्रेन अभी के मूवीज में तो ज्यादातर दिखाई नहीं जाती, ये सब पुराने जमाने वाली मूवीज में यहाँ पर ये स्टीम इंजन वगैरह दिखाया जाता है, लेकिन ये देख सकते हो ये पूरा है ना फेक पूरा स्टीम इंजन भी यहाँ पर बनाया गया है। और ये तरफ से आप ये इंजन का भी लुक देख सकते हो। मैं आप इसका मटेरियल एक बार चेक कर लेता हूँ, ये मुझे लग रहा है रियल मेटल का बना हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको है ना एक खास बात बताता हूँ, आप इंजन देख सकते हो उसके अंदर ये टायर आप देख सकते हो, टायर है ना जो कार में होते हैं ना वैसे टायर लगाए गए। और यहाँ पर ट्रैक्स भी कोई नहीं है, सिर्फ ये शूटिंग पर्पस के लिए भी इंजन रखा गया है। फिर मेरे ये तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तरफ आप वापस से साइन बोर्ड देख सकते हैं, तिरुपति स्टेशन लिखा हुआ है। तो ये मतलब बाहर और कुछ था, दूसरे प्लेटफॉर्म पर और कुछ था, और यहाँ पर भी और कुछ नाम है। तो वैसे ही यहाँ पर मूवी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हर स्टेशन के नाम है ना वो लोग चेंज करते रहते हैं। तो देखो यही कुछ है यहाँ पर ओवरऑल लुक ये रेलवे स्टेशन का, और वो तरफ भी पूरा का पूरा सेम ही है यहाँ पर। और ये हमने लुंगी डांस जो कि बहुत ही फेमस सॉन्ग था वो यहाँ पर ये सॉन्ग शूट किया गया था। सो गाइज यही कुछ था यहाँ पर ओवरऑल लुक ये रेलवे स्टेशन का। तो देख सकते हो काफी खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाया गया, ये भी है ना रेंटल बेसिस पर ये लोग शूटिंग के लिए देते हैं, और जब भी शूटिंग नहीं रहता है यहाँ पर ऐसे टूरिस्ट को ये लोग आने भी देते हैं। होप आपको ये वाला ब्लॉग है ना पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो बस अब ये वाला ब्लॉग भी है ना हम यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइज स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस टू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। See you in the next video. Very. And the video and the video was very zabardast. और बाकी ने सारे बताओ कि इतना मुझे अच्छा लग रहा है रेलवे स्टेशन में, जो दीवारों की जो खटखट थी वो सारा वो जो इनका सारा जो था वो सारा ये टिकट वाला और सारे की दीवारों की ठक ठक और सारे जो पोस्टर आपने देखे थे नकली दीवारें थी पता लगा था आपको जी, असल में नहीं थी जी जी। और बाकी उन्होंने सारी चिन्नी प्याई में छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई थी, क्या ही बात है। और बाकी उनकी ट्रेन इतनी प्यारी थी और जी क्या बात है। और बाकी उनका इतना प्यारा साथ आ रहा और साथ में बोला तो अच्छा था, तो मूवी भी दिखा रहे थे थोड़ी सी क्लिप्स दिखा रहे थे वो कोई शाहरुख खान ने कि वहाँ पे ना कोई गाना भी पिक्चराइज हुआ था कुछ चेन्नई एक्सप्रेस मेरा ख्याल है वो थी जो इसकी वहाँ पिक्चराइजेशन हुई थी जी। अच्छा वो टायर्स भी देखे थे आपने, वो ट्रेन और उसके नीचे टायर्स थे जी जी, कितने अच्छे टायर ट्रेन जी, ट्रेन के नीचे कार के टायर है क्या। और वहाँ इंजन था वो इंजन भी वर्किंग में नहीं था कब से वहाँ पे खड़ा किया हुआ था इन्होंने, लेकिन एक प्रॉपर सेटअप जरूर था, एक हैरान होने वाली बात है कि कितना जबरदस्त इन्होंने सेटअप किया हुआ था। पहले तो कहते कि ये परमानेंट टेम्पररी होते थे ख़त्म हो जाते थे यहाँ से, लेकिन अब इन्होंने इसको परमानेंटली वहाँ पे ये बनाया हुआ है कि किसी कोई भी आपने वीडियो पर फिल्म बनानी हो अगर ड्रामा सीरियल शूटिंग करनी हो तो रेंट पे ये दे देते हैं कि आप चले जी रेंट पे ले जी। और बाकी वैसे तो मुझे भी बड़ा पसंद था, व्यू इतना प्यारा आ रहा था, सारा बैठ के भी दिखा रहे थे और सारा ट्रेन का पूरा सारा इतना प्यारा उनका साथ सीन था, इतना कुछ सही इन्होंने बनाया हुआ था। और बाकी छोटी मीनी मीनी दुकानें भी रहते और डिस्ट्रिक हो जाए क्या बात है, नोक भी कर करके दिखा रहे थे जी भाई ये कैसा है भाई क्या। अच्छा ये यहाँ पे फिल्म की सही शूटिंग होती है और रेंट पे भी दिए जाते हैं और क्या बात है भाई जबरदस्त वीडियो, हमने पहले तो भाई इस तरह की चीज़ देखी, इस तरह होता है भाई असल की वो सारी सेटअप था उनका बिल्कुल असल लग रहा था। अच्छा जी हमने तो ये वीडियो बड़े एंजॉय की, बड़े जबरदस्त, थैंक यू जी, उम्मीद है कि आपको भी बड़ी जबरदस्त सो भी आपका वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फिर आपसे मिलते हैं रिएक्शन की वीडियो के साथ, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।